President. Now we are going to understand how expanded unit of length works. कैसे काम करता है? तो अगर आप देख रहे हैं अपना स्केल हाउस में देखो तो उस स्केल में क्या बना रहता है? जो लाइंस बनी रहती है एक तरफ देखोगे तो बारीक लाइंस बनी होगी, उधर लिखा हुआ सेंटीमीटर और उसके बीच बीच में भी बहुत छोटी छोटी बारीक लाइनें बनी होंगी। फिर दूसरी तरफ उसमें देखोगे तो उसमें इंच का मेजरमेंट होता है। जैसे अगर आप मान लो कि बड़ा वाला फिट लेते हो उसमें 30 सेंटीमीटर एंड दूसरी तरफ 12 इंचेस ऐसे मार्क किए गए रहते हैं, उसके सब डिवीजन उसमें होते हैं। सिंपल, अब उसी से उस मेजरमेंट को अगर देखते हुए हम आए आज के स्टैंडर्ड में देखूंगा तो आप क्या देखते हैं? स्टार्ट करते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या बताता है? 100 को रिप्रेजेंट करता है। सेंटीमीटर 100 को रिप्रेजेंट करता है। मींस लेकिन अगर छोटे इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं ना सेंटीमीटर, वो क्या होता है? मिलीमीटर। और मिली 1000 को बताता है, लेकिन क्या होता है ये? बिलो द मार्क, यानी छोटी यूनिट। अब 1 सेंटीमीटर में ये 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कभी सेंटीमीटर का अगर आप बारीकी देखो तो अगर बारीकी से देखो तो जो दो बने रहते हैं 1 सेंटीमीटर का, तो बीच बीच में छोटी छोटी 10 लाइंस बनी हुई, वो क्या हो गया आपका? एक छोटी लाइंस 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। नाउ अब फिर आते हैं, अगर 100 सेंटीमीटर हो जाता है तो क्या होता है? 1 मीटर। और यही हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है जो इंटरनेशनली हमें किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट जो माना है वो यही है मीटर। अब मीटर से छोटे में अगर हम गए तो क्या लेते हैं? 1 सेंटीमीटर। और उससे भी छोटे में गए तो 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 एमएम एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब थोड़ी बड़ी रेंज में आते हैं, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, ये यानी हम मीटर से छोटे तरफ जाते हैं तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर मिलता है, और बड़े में जाते हैं तो वो किलोमीटर, इन बिटवीन डेकामीटर और हेक्टोमीटर भी होते हैं। देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट केवल यूज की जा रही है उसके बाद। नाउ सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब एक हम चार्ट लेते हैं जिससे ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक यूनिट दी गई है स्टैंडर्ड इसमें से तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे दूसरी यूनिट। सपोज आपके पास कोई लेंथ मिलती है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में या किलोमीटर में या मिलीमीटर में, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर? तो हम अभी यहाँ क्या देख रहे हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। जस्ट इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेंटीमीटर होगा 1 सेंटीमीटर 100 पार्ट क्या होगा 1 मीटर। इसको अगर हम बैक साइड में आए आगे बढ़ते हैं मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 अपॉन 100 कर देंगे, यानी बड़ी यूनिट में जब जा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? जो छोटी यूनिट है उसके मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो कितना मिला? 100 अपॉन 100 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के ऊपर हो गए। दूसरा फिर देखते हैं, अब अगर हमें कन्वर्ट करना है इसी यूनिट को किलोमीटर में तो क्या करेंगे? 1 मीटर, और यहां से देखिए कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल है? 1000 मीटर के। जब 1000 मीटर के इक्वल है तो 1 मीटर के कितने किलोमीटर होगा ये जानने के लिए क्या करेंगे? 1 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0.001 किलोमीटर। यदि जस्ट अगर हम राइट हैंड साइड चलते हैं, यदि बड़ी यूनिट में जाते हैं हर बार बड़ी यूनिट के लिए उसकी छोटी यूनिट्स का जो मेजरमेंट है उतने से उसको डिवाइड करते हैं। जब हम छोटी यूनिट में जाते हैं जैसे सेंटीमीटर से हम कहां आए? मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर अगर है यानी 1 सेंटीमीटर हमारे कितना होगा? वो 10 मिलीमीटर के ऊपर 100 है तो उसका 10 टाइम्स 10
into 100, 1000 millimeters. ठीक है, ये हमने इसको यहां से रिलेटेड कर दिया। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर हमें मिलीमीटर में कोई चीज दी गई है, मिलीमीटर में डिस्टेंस दिया गया है, यहां यूनिट 10 100 1000 10000 लैक्स 10 लैक्स 10 लैक्स मिलीमीटर। अब इसको हम कन्वर्ट करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर में कैसे इसका मेजरमेंट मिलता है। तो जब हमने क्या कहा, जब बड़ी यूनिट में जाएंगे तो उससे उसको छोटी यूनिट के पार्ट से डिवाइड करते जाएंगे। यानी यहां अगर हमें जाना है, हम ये 10 लैक्स को हम डिवाइड करते हैं, इससे कितना है 10 1 सेंटीमीटर 10 एमएम से 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए कितना होता है। अब इसकी क्या होगा, ये जीरो अपना रिड्यूस हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 12 लैक्स सेंटीमीटर। फर्दर इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको अब क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और आप 100 से डिवाइड करते हो तो कितना मिलेगा, 2 0 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, कितना मिला 1000 मीटर 1000 मीटर। अब अगर हम इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं ज्यादा नहीं आता इसके किलोमीटर में, तो कितने में होगी, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मींस अगेन इट डिवाइडेड बाय 1000 मीटर इज इक्वल टू 1